यूक्रेन में भारतीय छात्रा की मौत के बाद आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भारतीय छात्र की मौत को केंद्र सरकार की नाकामी का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू की जगह केंद्र सरकार यूपी चुनावों में व्यस्त रही, अब दिखावे के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में मंत्रियों को वहां भेज रही है, जबकि हकीकत में अभी तक महज 2000 से कम विद्यार्थी ही देश लूट पाए हैं। इन बिगड़े हुए हालातों में अभी भी वहां 18,000 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं। आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन में भारत के छात्र की मौत हो जाना भी केंद्र की नाकामी का हिस्सा है, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के चुनावों में व्यस्त थी। केंद्र ने यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनावों को समझा। बेनीवाल ने कहा कि हालात बिगड़ने के बाद यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में केंद्र के कुछ मंत्रियों को भेजकर दिखावा करने से बेहतर होता कि सरकार समय पर वहां से सभी छात्रों को भारत लेकर आती। आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार समय रहते सचेत होकर यूक्रेन से भारत के छात्रों का रेस्क्यू कर लेती तो आज हजारों जाने संकट में नहीं आती। सांसद बेनीवाल ने कहा कि जब तक 2000 से भी कम छात्रों को वहां से भारत लाया गया, जबकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में 20,000 से ज्यादा छात्र राजस्थान सहित अन्य राज्य में फंसे हुए हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के छठे दिन मंगलवार को खार्किव शहर में भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मृतक छात्र नवीन कर्नाटक का रहने वाला था। उसकी उम्र 21 साल थी और वह खाना खाने के लिए बाहर निकला था। वह खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर का छात्र था। नवीन राशन की दुकान के सामने लाइन में लगा था, उसी समय उसकी जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से बात कर दुख भी जताया।